तपस्वी हो, कभी असत्य न बोलता हो, सही मार्ग में चलता हो, उसके बारे में शक्ति है। जो जज है, कलेक्टर है और मिनिस्टर है, उसको ताकत दी गई है, सत्ता दी गई है, उसकी वाणी में शक्ति है। वो लिख देगा कि इसको आजीवन कैद, 5 वर्ष का कैद तो सजा भोगनी पड़ेगी। वो लिख देगा क्योंकि जज है, उसको ऐसा शक्ति दिया गया है, पावर दिया गया है। तो ये जज को, मिनिस्टर को, कलेक्टर को पावर है, लेकिन उसका अपील हो सकता है आगे, अपील हो सकता है, शायद आगे आप जो है छूट भी जाओ, लेकिन एक बार तो सजा कर दिया, उसकी वाणी में ताकत है, आप बच नहीं सकते हो, उसका अपील होता है। लेकिन सदगुरु जो बोलते हैं उसका नो अपील, कोई अपील नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फांसी की सजा दे दी तो उसको आप टाल नहीं सकते हो, लेकिन ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पास दया की अर्जी करेगा तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सजा भी माफ कर देगा। ये महाराज सुप्रीम कोर्ट हैं। आदमी भटकते 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 अनेकों अनेकों गुना दोष करते, जब इनके चरण में पहुंचता है ना तो वो मुक्त हो जाता है। ये बोलते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मुह जब ही, कोट जन्म अघनासों तब ही। मेरे यहाँ जो कोई आता है उसको मैं, उसका मैं कल्याण करता हूँ, पीछे के सभी गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, उसको सजा की कोई प्रावधान नहीं है, वहाँ प्रारब्ध शब्द ही नहीं रहता है, मिट जाता है। लेकिन ना भूंगते क्षेत्र कर्म, प्रारब्ध कभी क्षय नहीं होता है, वेदांत बोलता है, वेदांत बोलता है प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते हो, वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो गिरनार के अंदर सिद्ध संत गोरखनाथ जी, महसदनाथ जी, भर्तरी गोपीचंद और बहुत से संत यहाँ बैठे हुए हैं, वो कायदा से पर हैं, भगवान भी कायदा के अंदर है, वो एक बार बोलेगा उसको सो करना ही पड़ता है, कायदा के अंदर है भगवान भी, लेकिन संत कायदे से पर है। एक सुनाया हूँ प्रसंगोपात, एक बार बोल देता हूँ कि ये गृहस्थ जा रहा है तुलसीदास के पास, हमको संतान नहीं है, तो बोले कि भाई मैं तो भगवान से पूछ कर सब आशीर्वाद देता हूँ, हनुमान जी से पूछने दो। तो हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी बोले कि मेरे को धर्मराज की चौपड़ी देखाने दो। वहाँ देखा तो बोला कि इसको 7 जन्म तक लड़का नहीं होगा, इसका ऐसा प्रारब्ध है, इसको संतान नहीं है इसके। तो वा करके हनुमान जी बोले तो गोस्वामी जी ने उसको बोल दिया कि तेरे को संतान नहीं होगा इस जन्म में, 7 जन्म तो जाने दे, नहीं होगा। वो दुखी हो गया, फिर जाने लगा तो किसी ने बोला किनाराम बाबा हैं, वहाँ जाओ तेरा कल्याण हो जाएगा। तो सोनारपुरा में किनाराम बाबा, किनाराम बाबा यहीं जूनागढ़ के हैं, सिद्ध अघोरी हैं, वहाँ उनका उनका स्थल है। और ये जुगनिया पहाड़ में भी बड़े बड़े सिद्ध अघोरी हैं, मैंने तो अनुभव किया है, खाली कथा सुनकर नहीं बोलता हूँ। एक जोगनिया पहाड़ में ऐसे अघोरी हैं। तो वो गया किनाराम बाबा के यहाँ, तो किनाराम बाबा और तुलसीदास जी आध्यात्मिक मार्ग की होड़ में ऐसे चल रहे थे, वो ना बोलते हाँ बोलते, हाँ बोलते वो ना बोलते। तो अघोरी किनाराम जी बोले कि तुलसी क्या जानता है, जा तेरे को 4 संतान होगा, हो जाए तो मेरे पास आना। तो गृहस्थ गया और 8 वर्ष में 4 संतान हुआ, और लेकर के आ रहा था तो अघोरी बाबा बोले पहले तुलसिया को प्रणाम कर, तो उसको खबर पड़े कि मैं ना बोल रहा है कि नहीं हुआ। तो गया तुलसीदास जी के पास कि महाराज आप नाराज होकर कुछ बोल दिए रहे, लेकिन आपकी दया से 4 संतान। तो तुलसीदास जी सोच में पड़ गए कि जब नसीब में नहीं है तो हुआ कैसे, ये प्रारब्ध नहीं है तो काम कैसे हुआ। तो उसके बाद जो है ध्यान कर रहे थे, भगवान से पूछ रहे थे, तो भगवान ने बोला कि इसके नसीब में नहीं है, लेकिन किनाराम बाबा जो है 2-2 वर्ष की तपस्या
अर्पण किया है तो उसकी तपस्या के रूप में चार संतान है। अगर तुम चाहो तुलसीदास जी तो चार संतान अपनी तपस्या दान करके आप भी दे सकते हो। ये संत हैं, प्रारब्ध में नहीं है लेकिन अपनी तपस्या आपको दे सकते हैं। एक गरीब आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, गंगाल आदमी है, लेकिन आप जैसे में बैठे हुए करोड़ोंपति लखोपति की निकल गया, एक चेक लिखेगा तो लखोपति बन जाएगा एक सेकंड में। कोई पूछेगा नहीं कहाँ से आ गया, क्योंकि दाता आप हो, नहीं है फिर भी आपने दिया। ये ईश्वर की दया है। संत लोग जो हैं इससे पर हैं, लेकिन तपस्या होनी चाहिए सच्ची, दिल प्योर होना चाहिए, चोखा होना चाहिए, कमाने का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। तपस्या जो है द्रव्य संचय के लिए नहीं है। यहाँ ये लोग जो विधि कर रहे हैं ये सबका भला कर रहे हैं, ये सबका कल्याण कर रहे हैं। एक कंजूस आदमी को भला कैसे करना, तब कंजूस आदमी के पीछे भगवान पड़ जाता है। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, सही मार्ग में नहीं हो, तो आपके पीछे पीछे वो रहेगा, आज नहीं तो कल आपको अच्छी लाइन में लगा देगा, इसीलिए भगवान है। तो ये दत्तात्रेय महाराज जो हैं ये हमेशा आप साधना उपासना करेंगे तो आपके पीछे रहेंगे, आपको फिराते फिराते समझाते वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पहुँचने के बाद आप सुखी हो जाओगे और स्वस्थ हो जाओगे। ये जो है मानसिक स्वस्थता देते हैं, मन चित बुद्धि को शुद्ध करते हैं। मन चित बुद्धि का शुद्ध होना बहुत कठिन है, पैसा मिल जाना सरल बात है, लेकिन विचार शुद्ध होना, बुद्धि शुद्ध होनी, अंतर शुद्ध होना, ये बहुत कठिन है। आप ध्यान में बैठते हैं तो मन कहाँ कहाँ दौड़ता है, बुद्धि क्या क्या संकल्प विकल्प करती है। तो सद्गुरु बोलते हैं कि ध्यान में जो है श्वास के साथ तुम नीचे उतर, श्वास की नली में नीचे उतर, कहाँ से श्वास आ रहा है जा रहा है उस नदी में तुम गोता लगा और नीचे जा। ओ सो हम चल रहा है, सो करके श्वास ले रहा है, हम करके छूट रहा है, उसके अंदर उतर और सब विचार छोड़ दे, कहाँ से क्या आ रहा है हटा दे। तो कान को भी उधर लगाओ, दृष्टि को भी वहाँ लगाओ, मन को भी वहाँ लगाओ, थोड़ी देर बैठ, तो बैठने के बाद बाहर के विचार हट जाएंगे। उस सोहम में आपको सदगुरु साथ देंगे और ऐसे जगह आप पहुँचा देंगे जहाँ के सारे विचार हट जाएंगे, आप परम शांति में जाकर डूब जाएंगे। ध्यान करना सबको नहीं आता है, आँख बंद करने से ध्यान नहीं होता है। आँख को उल्टा करो, आँख को उल्टा करने का मतलब जो बाहर देख रहे हो, देखा हुआ आप ही से घर है बाहर है सबकी यादें आ रही है, उसको हटा करके अब उस नदी में डूबो जहाँ से आपकी जिंदगी है, उस सोहम में जाओगे आप। और वहाँ सुनो क्या आवाज़ आ रही है, वहाँ की आवाज़ बड़ी बुलंद है, ओंकार स्वरूप है, उस ओंकार को सुनोगे, सोहम में जाओगे तो आपकी दिशा बदल जाएगी। और वहाँ जाने के बाद आप ध्यान करो, तो ध्यान में बैठने का मतलब है कि सारे बाहर के कान को आँख को हटा करके उस सोहम में ले जाना और मेरे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्या अंदर बैठा हुआ है, वहाँ जाओ तो आपको ध्यान लगेगा। उस ध्यान से अंदर की शुद्धि होगी, विचार शुद्ध होंगे, बुद्धि शुद्ध होगी और उसके बाद आप बदलने लगोगे। खाली आँख बंद करने से ध्यान नहीं होता है, आप आँख बंद करें लेकिन अंदर उतरें, अंदर उतर करके शोधन करें कि आप कौन हो और कहाँ बैठे हो, आप अपने को भूल गए हो कि मैं आप कौन हो, आप अपने को भूल गए हैं, इसको जानना हो तो अंदर उतरो। तो अंदर जो प्राण है, श्वास है ना, वो कोई जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है, आप निर्मल निखालस शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख के राशि हो, चैतन्य हो, ब्रह्म का स्वरूप हो अथवा उसी का अंश हो, वेदांत में आप जो भी स्वीकारो,
वहाँ आप ध्यान में जाओगे तो भूल जाओगे कि आप कौन हो। तो ये वस्तु जो है सद्गुरु देते हैं, वो वही दे सकता है जो कि इसके अंदर डूबा हुआ है। तो ये सिद्ध लोग जो गिरनार के अंदर बैठ करके कुछ दे रहे हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन हैं जरूर। दत्तात्रेय महाराज के टूक में साक्षात विराजमान हैं, गोरखनाथ जी मसेदनाथ भी हैं, भरत प्रहरी गोपी चंद भी हैं, और राजा रहे, राजा में से यहाँ सम्राट बन गए। फकीर नहीं हो, फकीर मतलब ये नहीं समझना कुछ है ही नहीं है, ये सम्राट बन गए। कोपी नमंतम खल भाग्यवंत, जिसके पास एक कोपीन है शंकर दादा की तरफ से, अब आगम्बर पहने हुए हैं, न ओढ़ने का है बिछाने का है, त्रिशूल लिए बैठे हैं, लेकिन कुबेर के भी दाता है वो। वो चाहे इसको कुबेर बना दे, चाहे उसको फकीर कंगाल बना दे, इसलिए किसी ऐसे फकीर को तपस्वी को आप कंगाल मत समझना, वो तो बहुत बड़ा दाता है। खुश हो गया तो सब कुछ दे देगा, ऐसे दत्तात्रेय महाराज हैं। मैं इनके चरण में पड़ा हूँ, बहुत अनुभव कर रहा हूँ, आपको यहाँ लाता हूँ और वही बार बार बोलता हूँ। आश्रम तो ठीक है, चलता है, चलता रहेगा, आप लोग लगे हैं, ये प्रेरणा कर रहे हैं, अच्छा ही होगा, लेकिन मेरी 24 घंटा दृष्टि उनके चरण में रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मुझे ख्याल है कि यहाँ के नवाब साहब और राजे राजवाड़े चले गए तो मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना है, तो इसमें बहुत आसक्ति मत रखो, पर विचार बुद्धि चित्त शुद्ध रखो कि जिससे आपका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव रखना चाहिए। अपेक्षा रहित लोभी स्वभाव नहीं होना चाहिए, उदार बनो, किसी का भला करके खुश हो, प्रसन्न हो, ये आप लोगों को मैं बोलता हूँ। यहाँ बहुत से साधक बैठे हुए हैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं और ऑफिसर हैं, IAS है, IPS हैं, कुछ रिटायर ऑफिसर हैं, सब यहाँ विराजमान हैं, सब अपने जगह पर महान हैं। हमारे यहाँ ये जो दिलीप ने बोला, उपाध्याय जी आए हैं, जज साहब लोग भी हैं, लेकिन बड़े निखालस, बड़े निर्लोभी, हृदय के उदार, निष्पक्ष जजमेंट देने वाले हैं ये, अपने हृदय के अंदर से कोई लोभ नहीं और सिंह के तरह से रहते हैं, कोई भय नहीं। जिसको कुछ अपेक्षा हो चाहिए न, वो डरता है, ये क्यों डरे? ऐसा ही एक फकीर जो अंदर, उसको क्या भय है, सम्राट है वो। तो दत्तात्रेय महाराज का स्वभाव ऐसा है कि हमेशा दियते ज्ञान सद्भाव क्षयते पशुभावना, ये ज्ञान के दाता हैं, अंदर के पशु भाव को नष्ट करते हैं जो आपको परेशान कर रहा है। देते ज्ञान सद्भाव क्षेत्र पशु भावना, वो पशु भाव को हटाते हैं और आपको शुद्ध ज्ञान देते हैं, जिसके कारण आप शांति में रहो, कुछ न रहे फिर भी प्रसन्न रहो, चिंता मुक्त हो जाओ, टेंशन न रखो, ऐसा आशीर्वाद इनका है। ये गोली ऐसी है कि इससे आप स्वस्थ रहो। बहुत टेंशन करने वाले, चिंता करने वाले को डायबिटीज बढ़ जाती है, लेकिन मंत्र करके ध्यान में बैठोगे ना तो हाई BP भी घट जाएगी, डायबिटीज भी घट जाएगी, बगैर दवा खाए लगेगा कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ। ये सद्गुरु का ध्यान है और कृपा है। दान क्षपण संयुक्ता दीक्षा देने हैं कीर्तिदार, ये जब देते हैं ना, देना दीक्षा बोलते हैं, देना, देने से अंदर के अशुद्ध विचारों को क्षय होता है, नाश हो जाता है, उसका नाम दीक्षा है। जिसके देने से अंदर के दोषों विकारों का नाश हो जाए, ऐसे ही दीक्षा ये देते हैं, अंदर के सारी अशुद्धियों को हटा देते हैं, आपको सद्दी दिशा में ले जाते हैं। ऐसे सद्गुरु हैं, गुरु पूर्णिमा का दिन है तो इनका आशीर्वाद आज बरस रहा है। मैं तो बोलूँगा
कि थोड़ी देर जगदम्मा बोलें, उसके बाद जो है 15-20 मिनट स्वच्छ हो और केवल जो है हरिओम तत्सत गाया जाए, हम लोग भी सुने, और आए हुए भाविकों को अगर इच्छा हो तो 20 मिनट में अनुभव कर लो, ध्यान लगेगा, कोई शंका नहीं है। लेकिन भाई और बहन सबको मैं आग्रह करता हूँ और शुद्ध भाव में बोलता हूँ कि ध्यान लगे तो शांति से बैठना, अलख मत पुकारना, धुनना नहीं, जटा मत फैलाना, शांति से बैठे रहना। माता लोगों को जल्दी जल्दी काली माँ आ जाती है, वो मत आने देना, हाँ शांति से बैठना, नहीं तो दूसरे लोग आपको देखने लग जाएंगे। मैंने बहुत भजन किया, 12 वर्ष 11 वर्ष जंगल में, हमारे यहाँ अंदर माता जी आई नहीं, आई तो अंदर बैठी है, ढूंढती नहीं है, आपको यहाँ ढूंढने लगती है। इसलिए ये ढूंढने वाली माता जी को यहाँ मत बुलाना, और शांति से बैठे रहना, और भाइयों को अनुभव हो तो अहालख मख पुकारना, जरा इस शक्ति को दबाना और बैठे रहना। आपको जो है ध्यान में बैठिएगा तो किसी किसी का शरीर में जर्क लगेगा, ऐसे ऐसे होने लगेगा, हिलने लगे, तो क्रिया योग है ये, शक्तिपात की विधि है ये, जब होगी ना तो आपके शरीर में जर्क लगेगा, ऐसे ऐसे हिले डुले, बिजली का करंट जैसे लगे, तो डरना नहीं, बैठे रहना, अभय रहना, यहाँ कोई मरोगे नहीं, मरोगे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा, ऐसे मुक्ति लगे ना तो कल कोई यहाँ आवे ही नहीं, इसलिए मरोगे नहीं, लेकिन शांति से बैठे रहना, आवाज़ मत करना। और कभी किसी को कलर दिखेगा, लाल पीला ब्लू वाइट, ये चक्रों का कलर है, किसी को कोई दर्शन भी होगा, कोई दीपड़ा दिखे, सिंह दिखे, भगवान दिखे, जो कुछ भी दिखे उसकी मीनिंग होती है। और किसी किसी को कहीं यात्रा करने का अनुभव होगा, मैं कहीं फिर आया, और किसी किसी को कुछ नहीं दिखेगा, शांति लगेगी। जिसके मन में जो कुछ है, पूर्वापर की साधना और लक्ष्य में रख करके अनुभूतियाँ होती हैं। तो आप लोगों को अगर ध्यान करना होगा, असमय होगा, तो 20 मिनट का ध्यान भी होगा, बैठ कर देख लेना। लेकिन अभी जगदम्मा के मुख से कुछ आशीर्वाद बरसेगा, वो भी ले लो, उसके बाद जो है ये प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो आगे का बात आगे। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त।